तो दोस्तों, मैंने आपको कल के एक वीडियो के अंदर बोला था ना कि ये जो बजाज कंपनी है तो उनके तरफ से 16 तारीख को बजाज का ही पल्सर N125 वाला जो मॉडल है या फिर पल्सर का ही जो एक 125 सीसी वाला मॉडल है तो वो आने वाला है भाई 16 तारीख को। लेकिन भाई अभी कुछ ही समय पहले ना बजाज कंपनी की तरफ से ऑफिशियली एक टीजर जो है ना तो वो रिलीज किया गया है, जिसके अंदर 17 तारीख मतलब कि कल के डेट को जो है ना तो वो दिखाया जा रहा है। वैसे भाई सिर्फ डेट नहीं, क्योंकि भाई इस वाले टीजर के अंदर बाइक का कलर से लेके बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स है, छोटा मोटा बहुत सारा कुछ चीजें जो है ना तो वो देखने को मिला है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, मैंने कल के एक वीडियो के ही अंदर आपको बोला था कि भाई बजाज कंपनी की तरफ से ना एक 125 सीसी वाला न्यू बजाज का ही जो बाइक है तो वो आने वाला है भाई, उसका जो टीजर है ना तो वो अभी आ चुका है। हालांकि भाई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि भाई 16 तारीख को लॉन्च होगा, लेकिन भाई 17 तारीख को वो होने वाला है और वो ऑफिशियली भी बजाज कंपनी की तरफ से बोला गया है, जो कि भाई आपके सामने डेट चलना है जैसे कि देख ही सकते होंगे। बाकी एक और भी चीज की भाई, ये जो न्यू टीजर सामने आया है ना तो इसके अंदर पहले बात तो पल्सर नाम भाई देखने को मिल रहा है, और इसका मतलब कुछ ऐसा ही है कि भाई बजाज कंपनी का जो कल का एक न्यू बाइक जो आने वाला है ना तो वो पल्सर नाम से ही आएगा, और भाई मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ चांसेस है कि भाई N125 नाम से ही एक न्यू बाइक आने वाला है। बात कुछ ऐसा है कि भाई देखो दोस्तों, ये न्यू टीजर है ना तो इसके अंदर भाई बाइक का जो कलर है तो वो भी दिखाया गया है, मतलब पूरा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये जो बाइक है ना तो ये भाई डुअल टोन कलर में है। और सच बताओ भाई, बजाज कंपनी का ये जो न्यू बाइक का जो न्यू कलर होने वाला है ना तो इसके अंदर भाई पहले बात तो ये जो डुअल टोन वाला कलर है तो ये ब्लैक और पर्पल कलर के अंदर है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और ये जो भाई पर्पल कलर है ना तो ये भाई टैंक के ऊपर जैसे कि देख ही सकते होंगे भाई कुछ कुछ जगह पर है, मतलब कि ये भाई एक शानदार सा जो ग्राफिक्स का टच है या फिर जो स्टिकरिंग का टच है तो वो कुछ देखने को मिल रहा है बजाज के ही न्यू पल्सर में। लेकिन अगर देखा जाए भाई, ये जो कलर है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टिकरिंग में नहीं है, मतलब कि जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक के ही जो सामने का जो चक्का है ना तो उसी चक्के के ही सामने एक जो फाइबर देखने को मिल रहा है, मतलब बाजू में, तो उसमें आपको देखने को मिल रहा है ये जो भाई पर्पल कलर का जो शेड है तो वो। और इसके अलावा एक और भी चीज, जो कि भाई ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको एक न्यू इंजन भी बार बार दिखाया गया है इसी टीजर में, जो कि भाई हालांकि एक न्यू इंजन ही है, एक 125 सीसी वाला, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है कि ये 2 वेल्व वाला है या फिर 4 वेल्व वाला, लेकिन ये एक 125 सीसी वाला इंजन है ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके साथ में आपको जो पावर है ना तो वो 12 BHP तक का जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा ये जो इंजन मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा ना तो वो भी अभी के डेट में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 11 Nm तक जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा, जिसके साथ में आपको 5th स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा एक और भी चीज की भाई, ये जो टीजर वीडियो के अंदर ये जो बाइक है आपके सामने तो इसके अंदर भाई जो लाइट्स का सेटअप है ना तो इसके अंदर मेन लाइट्स जो है तो वो आपको LED में देखने को मिलेगा। बाकी तो हाँ, ये भी कुछ बोला जा रहा है कि जो बजाज कंपनी का अपकमिंग जो एक 125 सीसी वाला बाइक या फिर N125 वाला जो मॉडल होगा ना तो उसके अंदर आपको तो भाई पूरे तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल देखने को मिलने वाले हैं, जिसके साथ में आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो वो देखने को मिलेगा। भाई नेविगेशन कनेक्टिविटी का पता नहीं, क्योंकि भाई इतना कम बजट के अंदर भाई नेविगेशन देना ये भाई कुछ अलग सा ही बात है। बाकी अब देखा जाए भाई, इस वाले बाइक के ही टीजर के अंदर ये जो एक छोटा सा पार्ट देखने को मिला ना तो ये देख के तो भाई लग कुछ ऐसा ही रहा है कि इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, लेकिन भाई ड्रम ब्रेक वाला जो सीन है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है बजाज के ही पल्सर के ये न्यू 125 सीसी वाले मॉडल के साथ में। बाकी एक और भी चीज की भाई, जो बजाज का अपकमिंग जो N125 वाला जो मॉडल अभी आएगा कल, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई जो सस्पेंशन सेटअप बिना तो वो सामने आपको देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे देखने को मिलने वाला है भाई मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके अलावा भाई ऐसा और बाइक के बारे में कुछ इतना नया नहीं है, लेकिन बात एक चीज बोला जा रहा है, जो कि भाई इस वाले बाइक का जो शोरूम प्राइस है ना तो वो बोला जा रहा है कि भाई 90,000 से लेके भाई 1,15,000 के अंदर अंदर जो है तो वो हमें देखने को मिलेगा इसी इंडियन मार्केट में। और इसके अलावा एक और भी बात है कि भाई ये जो बाइक भाई जब लॉन्च होगा ना तो लॉन्च होने के बाद बाद आपको जो भाई मिलना शुरू होगा ना तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिलना शुरू होने वाला है हर एक शोरूम पर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।